नमस्कार दोस्तों, एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए यूपीएससी ने बहुत बड़ी खबर दे दी है, जो कि 2022 के एस्पिरेंट्स का कट ऑफ था, एनडीए का रिटर्न कट ऑफ, वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ है। इसका मतलब यह है कि एनडीए 2023 पेपर वन में जितने बच्चों ने पेपर दिया है उनके लिए उम्मीद की किरण बन गई है। वैसे तो हमारा कट ऑफ जो प्रिडिक्शन आया था वो 365 370 के बीच का आया था, और हमने ये भी कहा था कि जितने बच्चों का उससे कम नंबर आए हैं वो प्लीज दोबारा से तैयारी करना शुरू कर दें, बाकी बच्चे एसएसबी की तैयारी करें। लेकिन खास बात यह है दोस्तों इस बार कि पिछले कट ऑफ को देखकर इस बार फिर लग रहा है कि कट ऑफ ड्रॉप होगा। पिछले बार का अगर एनालिसिस करें तो बहुत ही अजीब सा आया है, जो कि सारे यूट्यूबर्स का, सारे टीचर्स का प्रेडिक्शन फेल करता है, इवन मेरा भी फेल कर देता है। अगर 316 पिछली बार कट ऑफ आता है और पेपर इस बार का पिछली बार से ज्यादा टफ था, तो इस बार थोड़ा कट ऑफ और ड्रॉप हो सकता है। तो अगर आपके 350 नंबर भी अगर आ रहे हैं, 345 नंबर भी आ रहे हैं, तो आपके पूरे चांसेस हैं दोस्तों। अब 370 नंबर का आपको वेट नहीं करना। और पिछली बार जो हुआ, एक और बड़ा धमाका हुआ, हमने हमेशा बोला है कि सेक्शनल कट ऑफ जो होता है हर सब्जेक्ट का 25% होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 25% की जगह 20% पे ड्रॉप हो गया आपका। अगर मैं पहले का रिकॉर्ड देखूं तो 300 में से आपको 75 मार्क्स चाहिए होते थे तब जाके 25% होता था, लेकिन इस बार 300 में से अगर आप 60 नंबर, मतलब सिर्फ 20% नंबर भी लेके आते हैं मैथ्स में, और अगर 600 में जीएटी में पहले आपको लाने पड़ते थे 150 नंबर तब जाके 25% कट ऑफ का क्लियर होता था, लेकिन इस बार आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 120 नंबर भी आते हैं तो आपके जो है कट ऑफ जो है सेक्शनल कट ऑफ वो क्लियर हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं इस बार क्या हुआ है, पूरा का पूरा कट ऑफ जो है बैरियर नीचे आ गया है, बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस बार आप लोगों को पूरी जान लगा देनी है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होने वाला। आप लोगों को इस बार के मौके को आखिरी मौका समझकर अपना सब कुछ लगा देना है, क्योंकि किस्मत भी बार बार मौका नहीं देती। एक बार दरवाजा खटखटाती है, दो बार दरवाजा खटखटाती है, और जब उसको समझ में आता है कि अंदर बैठा हुआ इंसान बहरा है, तो अगली बार किस्मत कभी दरवाजा खटखटाती ही नहीं है, कभी आपके द्वारे ही नहीं आते, कभी आपके रास्ते ही नहीं आती। इसलिए इस बार का मौका मत चूकिएगा। अगर आप लोगों के 20% के हिसाब से कट ऑफ निकल रहा है इस पेपर वन में, तो बहुत बड़ी उम्मीद है, अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको रिटर्न की तैयारी करनी है, पर आप साथ में एसएसबी के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। टेक्स टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एसएसबी, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा खुद को। 60 नंबर आपके मैथ्स में, 120 नंबर अगर आपके जीएटी में आते हैं तब भी बहुत बड़ी उम्मीद है। सोच रहे हैं आप 25% से 20% पर कट ऑफ निकल जाए अगर नीचे, और अगर आपका 350, 345, 345 में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इससे बेहतरीन चीज कोई नहीं हो सकती। तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ वेल। जय हिंद, जय भारत।